फ्रेंड्स, टाइम टू वेक अप एट 7:30 बिकॉज ऑफिस जाना होता है. ऑफिस 9:30 पे होता है, तो आपको वहाँ पहुँचना पड़ता है. अटेंडेंस का राउंड अप चलता है, रजिस्टर उठ जाते हैं कभी कभी, तो इसीलिए टाइम से पहले पहुँचना पड़ेगा. और टाइम टू गेट रेडी नाउ. सो नाउ वी आर रेडी. अब चलते हैं ऑफिस की तरफ. है 10-15 मिनट का ही रास्ता, है ज़्यादा दूर नहीं है. बाइक पे चलेंगे तेज रफ्तार से. चलो दफ्तर, चलो दफ्तर. तो अभी चल रहा है हमारा लंच. लंच में दोस्तों, जैसे आप कुछ लोग टिफ़िन लेके आते हैं, कुछ लोग नीचे कैंटीन में भी खा लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग गेम भी खेल लेते हैं, टीटी वगैरह भी रहता है, तो कैरम टीटी इस तरह का हिसाब है यहाँ पे. बाकी काम ऐसा है कि काम ठीक ठीक वर्कलोड है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिससे अननेसेसरी प्रेशर बने. काम में हम लोगों का ये है कि पे एंड अलाउंसेस, जिस तरह के ऑफिस का हमारा जो नाम है PAO, तो PA ऑफिस पे एंड अलाउंसेस ही चेक करते हैं डिफेंस फोर्सेस का. उसमें उनका सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. और उसमें मंथली एंडिंग पे रहता है काम, ठीक है. कई सारे सेक्शंस होते हैं, लेजर होता है आपका, अलग अलग होता है सेक्शन, जिसको जो टास्क जो सेक्शन दिया जाए, ठीक है. और आपका ये 9:30 से 1 बजे तक आपका रहेगा ऑफिस, उसमें रेगुलर काम जो चलेगा. उसके बाद आपका लंच, फिर उसका आपका 6 बजे तक ऑफिस. काम ठीक ठीक रहता है. ऐसा वर्कलोड जैसा पूछते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा तो नहीं है. वर्कलोड SSC की किसी पोस्ट में इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, अनलेस इट इज़ CBI और ED. उसमें लगता है कि थोड़ा कंपेरेटिवली मैं कहूँगा कि थोड़ा लोड ज़्यादा है, पर इन डिपार्टमेंट में काफ़ी हद तक ठीक ठाक काम है, मतलब चल जाएगा काम आप लोगों का. और रही बात जैसे पोस्टिंग की, तो मैं अभी जैसे जबलपुर में पोस्टेड हूँ, और जबलपुर मैंने, मतलब मैं चाहता था जबलपुर में मिले और मुझे यहीं मिला. तो इसमें डिपार्टमेंट में ये होता है कि ज्वाइनिंग के टाइम अगर आप रिक्वेस्ट कर दो तो आपको वही देते हैं जहाँ, मतलब आपने रिक्वेस्ट डाली हो, मोस्टली अनलेस सीट्स ना फुल हो. तो आप भी अगर ज्वाइनिंग के टाइम ऐसा रिक्वेस्ट डालोगे तो आपको भी दे देंगे जहाँ आप नियर बाय में होगा. अगर सीट्स होंगी और रैंक ठीक होगी तो दे देंगे, ठीक है. और इसी हिसाब से इसमें सही है. बाकी अभी तो कुछ बहुत लोगों का 19 और 20 बैच में भी हो गया, तो वो भी चले गए हैं, ठीक है. अभी सेकेंड हाफ में फिर से काम करना है और फिर अपना घर की ओर. तो यही डे रहता है दिन भर, और कुछ नया तो रहता नहीं है, अनलेस किसी की कंप्लेंट हो या किसी का झगड़ा हो, तो वो एक नया चीज होता है. बर्थडे पार्टी हो, कुछ ऐसा बाहर जाना हो. क्या खा रहे हो? खा नहीं रहा, पी रहा हूँ. अरे तो खा गए सारा. कुछ है खाने का? पोहा इडली. मैंने तो बोला वैरायटी सर, वैरायटी. अब हो गया है जाने का टाइम. ऑफिस साइनिंग ऑफ. बस यही दिन की दिनचर्या हमारी रहती है, काम लंच काम घर. फाइनली बैक टू होम. और पूरे दिन का रूटीन के बाद बस अब घर पे जो आपको करना है करिए, यही दिन भर रहता है. और बाकी जो भी एस्पिरेंट इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक. और डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा और होपफुली आप इंजॉय भी करेंगे. Thank you, bye-bye.